राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जब मीटिंग खत्म करके यहाँ से जाने लगे तो कुछ कर्मचारी यहाँ पर आकर आंदोलन करने लगे, नारेबाजी करने लगे, और अब हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनकी मांग क्या है और ये लोग चाहते क्या थे। भाई साहब, आप लोग कौन है, क्या है, क्यों नारेबाजी? डेयरी में 25 साल से ठेका प्रथा पे काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी हैं हम, और डेयरी ने नई वैकेंसी निकाल दी। एक मिनट, तो आप अभी एक नारे एक एक, एक 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 नारा लगा रहे थे अभी, आपका हमारा शोषण बंद करो, कौन कर रहा है और किस तरह से हो रहा है? सभी ठेकेदार, जयपुर डेयरी प्रशासन कर रहा है, ठेकेदार मिलके कर रहा है। हमारे को जो मतलब 30-30 साल से काम कर रहे हैं उनको अभी नई वैकेंसी में कोई प्राथमिकता नहीं, कोई बोनस अंग नहीं। हमारा मतलब बीएफ में 1000 रुपए करोड़ों रुपए का ये लोग खा रहे हैं। हमारे को तनखा 18000 रुपए, कागजों में 18000 रुपए है, मिल रहे 10000 रुपए है, मतलब 7000 रुपए ऊपर के ऊपर खा रहे हैं ठेकेदार रही है, अब सर लोग मिलके। ये गंभीर आरोप है और काफी लंबे समय से डेयरी में जुड़े हुए, और अब इस तरह का आरोप लगाना निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक इनकी यह समस्या पहुंचेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।